हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी अपने जीवन में और भी लोगों के जीवन में आप लोग फैला रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर आज सुबह सुबह उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा था, उनके मन में क्या चल रहा था, ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो गाइज, आप लोगों के लिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ और इतनी सुबह सुबह लेकर के आई हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप सब काफ़ी सपोर्ट करेंगे मुझे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे। तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे, कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है मुझे। ठीक है, सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। गाइज, आप फोकस ज़रूर रखिएगा अपने पार्टनर के ऊपर से। ओके, दिस कुड बी द वन का कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड आपको दिख रहा है। चलिए, हिडन की एनर्जी आई है। यहाँ है यू आर वर्दी ऑफ लव, फ्रीडम। ओके, ट्रस्ट, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। रोमांटिक फीलिंग्स, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। किड्स, यह है मेरे पास वन साइडेड लव। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ग्रैटिट्यूड। सो गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है कि जिस भी पर्सन के साथ आपके पार्टनर कनेक्ट है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को बहुत कुछ समझ रहे हैं। समझने की कोशिश बहुत अच्छी मुझे नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ना अजीब सा आप किसी साथ फील होता है, मतलब अलग सा फील होता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक अलग सा जो फीलिंग्स है ना उसके साथ, मतलब आपके पार्टनर को लगता है ना कि उसके साथ एक अलग ही मेरी फीलिंग्स हैं, मेरा जो मन है ना वो अलग सा है, उसके लिए जो भी है मेरे मन में मेरे दिल में बस उसके लिए है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना अंदर से ही अंदर आपके पार्टनर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये पर्सन एहसास को सिर्फ एहसास कर सकते हैं, ये पर्सन अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं जो ये पर्सन फील कर रहे हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर को लग रहा है कि धीरे 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 ना आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि हो सकता है कि आपके पार्टनर छुपा के रखे हुए हो, है ना, कुछ बातें छुपा के रखे हुए। तो इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, साथ ही साथ ये पर्सन के अंदर अफसोस भी मुझे नज़र आ रहा है, अफसोस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अफसोस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, आपके पार्टनर को भी ये इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं।
सो चलिए कार्ड्स को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ना एट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना आपको लेकर के काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स हैं तो आपके काम काफ़ी रुकते हैं, काफ़ी काम रुक रुक के यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर के चल रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में स्ट्रगल करने के कारण से ना ये पर्सन को चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं। काफ़ी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि काफ़ी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन ओवर थॉट्स रखते हैं, ओवरली ये पर्सन सोचते रहते हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये पर्सन अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना इमोशनल आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को समझने की बार बार ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको समझे, आपके प्यार को समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे। आपका एक होता है ना कि जैसे कि आपके मन को समझ करके तब जो है ना इस पर्सन को चलना है। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, ऐसा भी इमोशंस आ रहा है ना कि आपके पार्टनर के मन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं, इनके दिल में आ रहा है कि मुझे फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। हिडन की एनर्जी क्यों है? तो हिडन की एनर्जी है स्टार की एनर्जी एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है ना ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि ये अकेले ही शायद इस रिश्ते में ना खड़े हैं, शायद आप खड़े नहीं हो, और ये सोच के इनको बहुत दुख हो रहा है। इनके मन में ना ये चीज़ें आती हैं कि शायद मैं ही ना इसके लिए पागल सा हूँ, मैं ही इसके लिए जो है ना बेचैन सा रहता हूँ, ये मेरे लिए वो बेचैनी नहीं रखता है या नहीं रखती है। क्योंकि आप में कहीं एक होता है ना कि आप में वो पर्सन दिखता है आपके पार्टनर को, ऐसा लगता है जैसे कि आप में वो सब कुछ है जो शायद ये पर्सन देख नहीं पाए हैं, शायद ये पर्सन कर नहीं पाए हैं, अपने जीवन में किसी को वो जगह नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पे वो भी मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी हैं अपने मन में। और इस पर्सन ने ना आपको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा उस समय। इस पर्सन को लगा कि वक्त आते ही आप शायद सब कुछ समझ जाओगे, आप शायद इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को समझने लगोगे, इनकी बातों को समझने लगोगे। ये पर्सन को यही लगा, ठीक है। ये पर्सन ने ना अपने थॉट्स जो है ना आपके प्रति जैसे जैसे चेंज किए वैसे वैसे जो है ना ये पर्सन ने अपनी बातों को छुपाना छुपाना जो है ना हाँ स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को समझना या समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस ये वाली एनर्जी है, ये वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कार्ड्स में। यस मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको अपने प्यार के काबिल तो समझते हैं और आपको भी समझते हैं कि भाई आप ना ऐसे पर्सन हो जो जो बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, और आप जो है ना लव डिज़र्व करते हो, लव डिज़र्व करते हो आप। ऐसा नहीं है कि लव डिज़र्व नहीं करते, लव डिज़र्व करते हो आप। लव का मुझे दिख रहा है कि एंगल बहुत अच्छा है, डिज़र्विंग हो आप। एंड मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस एम्परर का कार्ड है, यस आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन शायद आपको वो प्यार दे नहीं पाते हैं जो आप प्यार डिजर्व करते हो ना, वो ये प्यार दे नहीं पाते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ना मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना, या शायद मैं वो चीज़ दे नहीं पा रहा उसको, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो मन में है ना वो फीलिंग्स हैं। ये पर्सन का जो मन है ना वो काफ़ी कह रहा है, काफ़ी कह रहा है कि तू चल, तू चल, तू चल, ऐसे कर, तू वैसे कर, है ना।
तो ये वाली वाइब, ये वाली फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है? कनेक्ट हो करके जो है ना, आपके साथ ये रिश्ता जो है ना कंटिन्यू करना चाहते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये पर्सन को ये इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है, दिल से अफसोस हो रहा है कि इस पर्सन ने ना मतलब कहीं ना कहीं आपको नाराज़ किया है, अपने मन को काफ़ी ज़्यादा, एक होता है ना कि मन को दुखी कर दिया है इस पर्सन ने, ठीक है? आपके मन को दुखी कर दिया है इस पर्सन ने। तो ये पर्सन जो है ना डिज़र्व नहीं करते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है? सो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, फ्रीडम की एनर्जी क्यों है? सुबह सुबह फ्रीडम। आपके पार्टनर फ्रीडम लवर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या आपके पार्टनर फ्रीडम लवर ही हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को ना किसी के शिकंजे में रहना, किसी को जो है ना वो चीज़ करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पार्टनर है ना काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना, एक होता है ना कि इशू को फेस करते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी इशूज़ को फेस किया है आपके पार्टनर ने। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है जहाँ पे ये पर्सन को ना मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने इंतज़ार किया है, इस पर्सन के मन में ना वो इंतज़ार वाली फीलिंग्स चल रही हैं, इंतज़ार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है? ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है? ट्रस्ट की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये पर्सन समझते हैं कि आप इनके जो जज्बात हैं, इनके जो सोच है उसको आप समझ सकते हो। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे दूरी कभी कभी बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको समझते हो, इनके हालातों को समझते हो। हो सकता है कि आपने इनको कंफर्टेबल फील करवाया हो कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जो है ना तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, आपने इस पर्सन को ऐसा फील करवाया हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कहीं अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें देखी हैं, फेस करा है आपने, और वो चीज़ें फेस करते करते ना आपको काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस यस यस, लाइफ में जो है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लाइफ में ना आपके पार्टनर ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है, बहुत दर्द दिया है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, उस चीज़ को आप समझते हो, उस बात को आप समझते हो, ठीक है? तो ये पर्सन जानते हैं कि आप समझते हो इनके मन की बात, इनके दिल की बात, जो कि आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। इनके मन में ये भी चल रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आ गए तो क्या होगा। सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आ गए तो फिर इसके बाद का क्या होगा, ठीक है? इसके बाद आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, इसके बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से ना बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये पर्सन ने काफ़ी कन्फ्यूज़न में आकर के सही डिसीजंस कई मरतबा नहीं लिए हैं, वो चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को ना धीरे 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 इस बात का एहसास होने लगा है, इस बात की फीलिंग्स इस पर्सन को आने लगी है कि ये पर्सन जो है ना ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे वैसी बातें नहीं कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे, ये पर्सन का काफ़ी कोल्ड बिहेवियर देख करके मैं यहाँ पे हैरान हूँ। ये पर्सन काफ़ी कोल्ड बिहेवियर भी देने लगे हैं, हालांकि ये पर्सन डरते हैं आपसे दूर जाने से, ये पर्सन डरते हैं कि आप इनसे दूर चले गए तो फिर इनका क्या होगा, ये जो पर्सन है आखिर क्या करेंगे, किस तरीके से जो है ये पर्सन फील करेंगे, ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन के अंदर एंजाइटी स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, बताएं हमें, रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी क्यों है? ओके, ये पर्सन हालांकि ना इनके मन में जो चीज़ें चल रही हैं ये कहीं दो लोगों के लिए चल रही थी, कहीं दो लोगों के लिए जो है परेशानी का सबब बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि परेशानियां हो रही थी इनको, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि परेशानियों से परेशान होकर के ना आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं
दूरी बना के रखी थी, ठीक है, आपसे दूरी बना के रखी थी आपके पार्टनर ने, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत नाराज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगा है कभी ना कभी कि शायद आप भी कन्फ्यूज़न में ही रहते हो, इनको क्लियर नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी जो है ना कभी कभी नहीं बनती है, ठीक, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी कभी क्लैरिटी नहीं बनती है और इस वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाती है। ये पर्सन को लग रहा है कि आप जो है ना कहीं इनको लेकर के एक फंसे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो उसको भी लेकर के इनके मन में चल रहा है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ने गलती तो करी है ना, ये पर्सन ने गलती करी है, ये पर्सन गलती कर चुके हैं और ये पर्सन अपने भाग्य के ऊपर मतलब सब कुछ सौंप के बैठे हैं कि चलो मेरे भाग्य में जो होगा ना वो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे थोड़ी चलता है, आपके भाग्य में जो मिलेगा वो चलेगा, तो ऐसे नहीं होता है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर वही सोच के बैठे हुए हैं अभी तक और ये पर्सन कर रहे हैं, ये पर्सन उन सारी बातों को लेकर के फोकस कर रहे हैं, फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो मुझे यहाँ पे किड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि किड्स की एनर्जी ना काफ़ी क्लियर है कि यस आपके पार्टनर परेशान है। किड्स की एनर्जी में यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के अंदर ना वह एनजाइटी वो स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है और ये पर्सन बहुत अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से बहुत परेशान परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि रोते भी हैं क्योंकि इस पर्सन ने ना आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इस पर्सन ने ऐसी भी चीज़ें करी हैं, ये पर्सन का जो मन है वो बार बार किसी दूसरे तरफ जा रहा था, इस पर्सन ने अपने मन को कंट्रोल भी किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धोखा तो दिया है ये पर्सन ने धोखा तो दिया है आपको, कुछ भी कहिए, ये इस पर्सन ने धोखा दिया है आपको। तो धोखा देते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस बात की खबर हो गई थी, है ना, इस बात की खबर हो गई थी कि ये पर्सन धोखा दे रहे हैं, तो इनको इल्ज़ाम के रूप में क्या भुगतना पड़ेगा। सो ये पर्सन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पर्सन अपने आप को ना काफ़ी चीज़ों के साथ मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी रिश्ते के साथ जो है ना ये पर्सन मैनेज कर रहे हैं। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आप दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अलगाव हो रहा है, काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं जो कि लगता है ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के मन में चल रही थी। क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि कभी कभी लगता है ना कि ये पर्सन ने शायद जो है ना आपसे जो है ना वन साइडेड लव किया है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना कहीं बहुत टाइम से स्टक थे, कहीं बहुत टाइम से एक जगह रुके हुए और आपसे बातें ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातों के ऊपर फोकस ना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि आपके पार्टनर के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है ना कि हाँ जी बहुत कुछ सोचा है इस पर्सन की एनर्जी ने और ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ये पर्सन का ऐसा भी सोचना मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। उनके मन में क्या चल रहा था फुल मैंने डिटेल में कवर करा है। तो इसी तरीके की रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए या आपको रेमेडीज रिचुअल चाहिए तो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।